मैं यहां आया इतनी पूरी ताकत से वंदे मातरम सुन रहा था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हृदय के अंदर भारत भक्ति का एक भाव सहज रूप से जग जाता है। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान को पूछ रहा हूं, क्या हमें वंदे मातरम कहने का हक है क्या? मैं जानता हूं मेरी ये बात बहुत लोगों को चोट पहुंचाएगी। 50 बार सोच लीजिए, क्या हमें वंदे मातरम कहने का हक है क्या? हम वो लोग पान खा करके उस भारत माँ पर पिचकारी मारे और फिर वंदे मातरम बोले? हम वो लोग सारा कूड़ा कचरा भारत माँ पर फेंके और फिर वंदे मातरम बोले? वंदे मातरम बोलने का इस देश में सबसे पहला किसी को हक है तो देश भर में सफाई का काम करने वाले भारत माँ के उन सच्चे संतानों को है जो सफाई करते हैं। और इसलिए हमें जरूर सोचें कि ये हमारी भारत माता सुजलाम सुफलाम भारत माता, हम सफाई करें या न करें, गंदा करने का हक हमें नहीं है। गंगा के प्रति श्रद्धा हो, गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हो, हर नौजवान के मन में रहता है कि मेरे माँ बाप को एक बार गंगा स्नान कराऊं, लेकिन क्या उस गंगा को गंदा करने से हम अपने आप को रोक पाते हैं क्या? क्या आज विवेकानंद जी होते तो हमें इस बातों पर डांटते कि नहीं डांटते, हमें कुछ कहते कि नहीं कहते? और इसलिए कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम स्वस्थ इसलिए हैं कि बढ़िया बढ़िया अस्पताल है, हम स्वस्थ इसलिए हैं कि बहुत उत्तम स्तर के डॉक्टर हैं। जी नहीं, अस्पतालों की भरमार के कारण हम स्वस्थ नहीं है, उत्तम से उत्तम पढ़े लिखे डॉक्टरों के कारण हम स्वस्थ नहीं है। हम स्वस्थ इसलिए हैं कि कोई मेरा सफाई कामदार सफाई डॉक्टर से भी ज्यादा आदर उसके प्रति रहे, तब जाकर वंदे मातरम कहने का आनंद आता है।